हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। और राइट, तो हम लोगों ने क्या किया था डीबीएमएस में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ के प्रॉपर्टीज डीबीएमएस का क्या यूज है और डिफरेंट टाइप्स के आस्पेक्ट पढ़े थे डीबीएमएस, दैट इज डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है ज्वाइंस का, कि हमारे डी बी एम एस में कितने तरह के ज्वाइंस होते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और एक तो आज का क्लास यहीं से चालू करते हैं। तो ज्वाइन बेसिकली यूज क्यों होता है? तो बेसिकली ज्वाइन यूज होता है अगर हमको कुछ एट्रीब्यूट चाहिए। समझो, अगर आपको कुछ एट्रीब्यूट चाहिए वो टेबल T1 में और टेबल T1 के डेटा को मिलाकर है। ठीक है, अगर समझो यहाँ पर एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का टेबल है, यहाँ पर नेम है, यहाँ पर रोल है। ठीक है, और इस टेबल में ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पर डिपार्टमेंट रोल नंबर है और यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम है। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम है, क्या है, डिपार्टमेंट नेम है। तो अगर हमको किसी टेबल से, किसी रिलेशन से, अगर हमको समझो ए नाम है, ए नाम से हमको डिपार्टमेंट चाहिए आईटी, तो हमको क्या पता चल रहा है कि इस टेबल में तो डिपार्टमेंट नेम है नहीं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, T1 और T टेबल को क्या करना पड़ेगा, किसी तरह से ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करेंगे तभी हम लोग ए से डिपार्टमेंट आईटी तक पहुंच सकते हैं। तो इसी के मेनली इसी के लिए हम लोग का ज्वाइन यूज किया जाता है। एक सेल्फ ज्वाइन भी होता है, जो कि अगर टेबल में हम लोग को खुद ही ज्वाइन करना पड़ता है। समझो एक टेबल स्टूडेंट है, इसी में कुछ ऐसा एस्पेक्ट जो कि हमको चाहिए और डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, तो कुछ ऐसा हम लोग करते हैं कि अपने टेबल को सेल्फ ज्वाइन करके कुछ नया नाम देते हैं, अलियास जिसको बोलते हैं। ठीक है, नया नाम देते हैं और हम अपना डेटा निकाल सकते हैं। तो मेनली ज्वाइंस का होता है चार टाइप, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन एंड फुल ज्वाइन। इन चारों को हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से आगे पढ़ते हैं। और तो पहला हम लोग का है इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन क्या होता है कि इनर ज्वाइन कीवर्ड सेलेक्ट्स ऑल रोज फ्रॉम बोथ द टेबल एज लॉन्ग एज द कंडीशन सेटिस्फाई। This keyword will create the result set by combining all rows from both the tables where the condition satisfy. तो क्या बोलता है इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन एक ऐसा ज्वाइन है कि अगर हम लोग टेबल T1 और T2 को ज्वाइन करते हैं, इनर ज्वाइन से ज्वाइन करते हैं T2 को, तो क्या होगा कि हमारा जितना भी रोज है सारा रोज जाएगा जाएगा जब तक हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है। ऑलराइट, अब देखो इसको एसक्यूएल में आप लोग कैसे लिख सकते हो उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप कर रहे हो सेलेक्ट, आपको करना पड़ेगा क्योंकि सेलेक्ट से ही आप फेच कर सकते हो डेटा। स्टूडेंट कोर्स डॉट कोर्स आईडी, तो हम लोग का स्टूडेंट कोर्स जो है ये क्या है, ये मेरा एक टेबल नेम है। क्या है, टेबल नेम है। अगर हम लोग इसको डॉट डे के डॉट देख कर अगर हम लोग फेज करना चाहते हैं कोर्स आईडी, ये इसका एट्रीब्यूट नेम है। क्या एट्रीब्यूट नेम है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम स्टूडेंट कोर्स से, स्टूडेंट कोर्स टेबल से हम लोग कोर्स आईडी फेज कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट टेबल से हम लोग नेम फेज कर रहे हैं, स्टूडेंट टेबल से एज फेज कर रहे हैं, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से फेच कर रहे हैं, इनर ज्वाइन कर, देखो इनर ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट कोर्स किसको ज्वाइन कर रहे हैं, टेबल स्टूडेंट को, स्टूडेंट कोर्स से ऑन, क्या कंडीशन है, स्टूडेंट रोल नंबर, मतलब स्टूडेंट टेबल में जो रोल नंबर है वो इक्वल होगा स्टूडेंट कोर्स के टेबल में रोल नंबर से। इतना बात है इसका, देखो फिर से समझाता हूँ। सेलेक्ट करना है, हमारे पास दो टेबल है, स्टूडेंट कोर्स और स्टूडेंट दो टेबल है। ठीक है, टेबल स्टूडेंट कोर्स और टेबल स्टूडेंट नेम। तो हम लोग फेच कैसे करते हैं, डॉट लगाते हैं, डॉट डॉट प्रॉपर्टी जो है वो लगाते हैं और ये हमारा एट्रीब्यूट नेम है। ठीक है, तो हम लोग को फेच करना है कोर्स आईडी, हम लोग को एक टेबल रिजल्ट टेबल चाहिए, रिजल्ट टेबल चाहिए जिसमें कि कोर्स आईडी होगा, नेम होगा, एज होगा, इतना हमारे पास होगा हमारे रिजल्टिंग टेबल में। तो हमको क्या पता चल रहा है कि हमारा सारा डेटा, मतलब कोर्स आईडी जो है वो हमारे स्टूडेंट टेबल में नहीं है। तो कोर्स आईडी के लिए हम लोग को जाना पड़ रहा है कि स्टूडेंट कोर्स पर, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इनर ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट
और इनर ज्वाइन कर रहे हैं किसे, स्टूडेंट कोर्स, और कंडीशन ऑन लिखे, और कंडीशन क्या लिखे कि स्टूडेंट टेबल का जो रोल नंबर है वो इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट कोर्स के रोल नंबर से। ऑल राइट, समझ में आया होगा, आगे चलते। अगर आप लेफ्ट ज्वाइन की बात करें तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, दिस ज्वाइन रिटर्न्स ऑल द रोज ऑफ द टेबल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज्वाइन एंड मैचिंग रोज फॉर द टेबल ऑन द राइट साइड ऑफ ज्वाइन, द रोज फॉर विच देर इज नो मैचिंग रो ऑन राइट साइड, द रिजल्ट सेट विल कंटेन नल। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन को क्या है बोल रहे हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिजल्ट सेट विल कंटेन नल, कब नल कंटेन करेगा, जब नो मैचिंग रो ऑन द राइट साइड होगा। अगर राइट साइड में कोई मैचिंग रो नहीं होगा तो उस कॉलम में, उस एट्रीब्यूट में, उस रो के लिए नल होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने जाना, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा, समझो ये मेरा लेफ्ट है लेफ्ट टेबल, ये है मेरा राइट टेबल, ठीक है, और हम लोग किसी कंडीशन पे ही इस दोनों टेबल को ज्वाइन करते हैं, तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा कि मेरा जितना लेफ्ट में होगा वो सारा रो तो आएगा ही आएगा, बट राइट से वही रो आएगा जो मेरे कंडीशन को क्या करेगा, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसमें क्या आ जाएगा, नल वैल्यूज आ जाएगा। ऑल राइट, अब इसको एसक्यूएल के थ्रू कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे पहला टेबल का कॉलम वन, टेबल वन का कॉलम टू, टेबल टू का कॉलम टू, मतलब कुछ भी करना है, और फ्रॉम टेबल वन लेफ्ट ज्वाइन करेंगे टेबल टू को, और कंडीशन क्या करेगा, ऑन टेबल वन डॉट मैचिंग कॉलम, जो भी मैचिंग कॉलम होगा इक्वल टू टेबल टू का मैचिंग कॉलम। ठीक है, आगे चलते। राइट ज्वाइन, तो हमारा समझो ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो राइट ज्वाइन में क्या होगा कि राइट का सारा रिकॉर्ड आएगा, पर लेफ्ट का वही रिकॉर्ड यहाँ पे हमारे रिजल्टिंग टेबल में वही रिकॉर्ड आएगा जो कि मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। द रोज फॉर विच देर इज नो मैचिंग रोज ऑन लेफ्ट साइड, द रिजल्ट सेट विल कंटेन नल। तो इसका जो यहाँ पर मैचिंग नहीं होगा, समझो हम तो ऐसे तो टेबल नहीं बनाते ना, हमारा नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स एक डिफिनिट है। अगर यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे मेरा ये सारा मैचिंग कंडीशन से आ गया 7, तो हम 8, 9 समझो, ठीक है, और यहाँ पे 10, 11 और यहाँ पर मेरा मैच नहीं किया कंडीशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको लेफ्ट कर दो, यहाँ राइट कर दो, तो राइट जोन में राइट का तो सारा आ गया रिकॉर्ड, ठीक है, राइट में सारा रिकॉर्ड आ गया, और राइट के लेफ्ट में कंडीशन लगाए तो ये सारा रिकॉर्ड आ गया, बट जो कंडीशन नहीं लगा वहां पे क्या आएगा, नल आएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। इसको भी सेम तरह लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे टेबल वन से जो भी कॉलम चाहिए और टेबल टू से जो भी कॉलम चाहिए, फ्रॉम टेबल वन, और राइट ज्वाइन करेंगे क्या, टेबल टू पे, कंडीशन क्या करेगा, मेरा टेबल वन में मैचिंग कॉलम इक्वल टू टेबल टू में मैचिंग कॉलम, जनरलाइज फॉर्म। ठीक है, फुल ज्वाइन की बात करो तो फुल ज्वाइन में क्या होता है, फुल ज्वाइन क्रिएट द रिजल्ट सेट बाय कंबाइनिंग रिजल्ट्स ऑफ बोथ लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन, द रिजल्ट सेट विल कंटेन ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल, द रोज फॉर विच देर इज नो मैचिंग, द रिजल्ट विल कंटेन नल वैल्यू, सेम इट इज। तो फुल ज्वाइन में क्या होता है, जो मेरा रिजल्ट राइट ज्वाइन का था और जो मेरा लेफ्ट ज्वाइन का था, इन सारा का रिजल्ट आएगा, ठीक है, और सारा रोज कंटेन करेगा फ्रॉम द बोथ द टेबल्स, और जिसके लिए मैचिंग नहीं है उसमें नल वैल्यूज आ जाएगा। सो सिंपल इट इज, और हम लोग क्या कीवर्ड यूज करेंगे, फुल ज्वाइन। ऑलराइट, आगे चल रहे, ठीक है। अब देखो हम लोग का क्या होता है कि डीबीएमएस में ट्रांजेक्शन होगा। अब बताओगे सर डीबीएमएस में ट्रांजेक्शन कैसे होगा, तो सिंपली एक एग्जाम्पल ले लो एटीएम का, क्या ले लो, एटीएम का छोड़ो रेलवे रिजर्वेशन का ले लो, आप रेलवे का ले लो। तो यहाँ पे रेलवेज या जो भी बैंकिंग सेक्टर या कहीं पे होता है वहां पे सारा डेटा का खेल है और सारा जगह ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, तो एक ट्रांजेक्शन जब होता है तो उसका क्या क्या स्टेट हो सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और पहला तो स्टेट होगा एक्टिव। ठीक है, एक्टिव से या तो पार्सली कमिटेड हो जाएगा या सीधे फेल हो जाएगा, या पार्सली कमिटेड से फेल हो जाएगा, पार्सली कमिटेड से कमिटेड हो जाएगा, या फिर कमिटेड जब होगा अबॉर्टेड या फिर फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, जब फेल्ड हो गया तो उसको अबॉर्ट कर दो, ऐसा हो सकता है कंडीशन। ठीक है, अब देखते हैं कि इन सारे एक्टिव, पार्शली कमिटेड, कमिटेड, अबॉर्टेड, फेल्ड, इन सब का मतलब क्या है, ये कब यूज होते हैं।
अब देखो एक्टिव, एक्टिव स्टेट में क्या होता है, डिविजनल ट्रांजेक्शन में इन दिस स्टेट ट्रांजेक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होता है कि हमारा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता है और हमारे किसी भी ट्रांजेक्शन का ये पहला प्रथम चरण है। पार्सली कमिटेड की बात करो तो वेन अ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट्स इस फाइनल ऑपरेशन इट इज सेड टू बी इन पार्सली कमिटेड स्टेट। जब कोई भी ट्रांजेक्शन अपना फाइनल फाइनल ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं, पार्सली कमिटेड। फेल्ड की बात करो तो ट्रांजेक्शन इज सेड टू बी फेल्ड इफ एनी ऑफ द चेक्स मेड बाय द डेटाबेस रिकवरी सिस्टम फेल्स। ठीक ना, क्या होता है कि अगर हमारा डेटाबेस सिस्टम रिकवरी सिस्टम फेल हो जाता है तो हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। एबॉर्टेड का क्या मतलब है, आप एटीएम में जाते हो कि नहीं, एटीएम में जाते हो, आपने अमाउंट डाला 500 पर आपको निकालना था क्या 5,000, तो आप क्या कर देते हो, कैंसिल का बटन दबाते हो, तो क्या हो जाता है, हमारा ट्रांजेक्शन एबॉर्ट हो जाता है। अगर कमिट की बात करते तो आप पैसा निकालने जाते हो एटीएम में 5,000 और आप लोग ओके अमाउंट इज ओके 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 किया, आप लोगों का पैसा निकल गया, तो आप सक्सेसफुल एग्जीक्यूट कर देते हो सारा ऑपरेशन, अपने जो ट्रांजेक्शन है उसमें अपने आप को आप कमिट कर देते हो, हाँ हमको यही ही चाहिए। ठीक है, देखो इसी में क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट ऑल इट्स ऑपरेशन सक्सेसफुली इट इज सेड टू बी कमिटेड, ऑल इट्स अफेक्ट्स आर नॉट परमानेंटली स्टेबल। अगर आप 5,000 डाले, सारा चीज आपने अच्छे से किया, एग्जीक्यूट कर दिया आपका ट्रांजेक्शन स्टेप बाय स्टेप, तो आपका 5,000 रुपया निकल जाएगा, तो आप लोगों ने परमानेंटली वो काम कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए कि देखिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ट्रांजेक्शन जब होता है कि ट्रांजेक्शन देखो ट्रांजेक्शन जब होता है तो ट्रांजेक्शन हमेशा सिक्वेंसली हो ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब क्या मतलब कि पहला आदमी, चलो एटीएम का तो अच्छा एग्जांपल है, एटीएम में पहला आदमी गया पैसा निकाला बाहर आया, दूसरा जाएगा पैसा निकालेगा बाहर आएगा, एटीएम का छोड़ो। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रेलवे रिजर्वेशन की, अगर हम लोग बात करें रेलवे रिजर्वेशन की, आपका यहाँ पे है पटना, ठीक है आपका यहाँ पे पटना जंक्शन है और यहाँ पे समझ लो कुछ भी, समझ लो दिल्ली है। ठीक है, आपका यहाँ पे पटना, यहाँ पे दिल्ली है। अगर इंसान पटना से, मतलब समझो अगर पटना है वो दिल्ली से कोई भी ट्रेन बुक कराना चाहता है कहीं के लिए, और दिल्ली से भी कोई आदमी कहीं के लिए बुक कराना चाहता है सेम ट्रेन में, क्या सेम ट्रेन में, तो ऐसा पॉसिबल तो है ना कि हमारे पास अभी 1 सेकेंड के अंदर 10 सीट खाली था। ठीक है, और इसको भी उतना ही सीट खाली बचा और एक आदमी आया बोला कि हमको 100 सीट क्या करो रिजर्व करके दे दो। अगर ये उसी इसमें ट्रांजेक्शन कर रहा है थोड़ा बहुत 2 सेकंड के भी लैग कर जाए और ये भी पैसा ट्रांजेक्ट कर दे, ये इसका सीट बुक हो जाए पर इसका ट्रांजेक्ट करने के बाद भी पैसा बुक नहीं हो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ टेंशन तो है हमारे ट्रांजेक्शन में, राइट, कुछ ना कुछ है ट्रांजेक्शन। उसको उसको ठीक करने के लिए हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाते हैं, उसमें वन ऑफ द एस्पेक्ट से क्या सीरियलिटी, क्या है सीरियलाइजिबिलिटी। ठीक है, तो सीरियलाइजिबिलिटी क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे क्या होता है नहीं होता है। अब उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। शेड्यूल, शेड्यूल क्या आता है, अ क्रोनोलॉजिकल एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ ए ट्रांजेक्शन। क्रोनोलॉजिकल एग्जीक्यूशन सीक्वेंस का क्या मतलब है, एक के बाद एक टाइम पर। ठीक है, तो वो क्या हुआ शेड्यूल, सीरियल शेड्यूल क्या हुआ, इट इज अ शेड्यूल इन विच ट्रांजेक्शन आर अलाइंड इन सच वे दैट वन ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट व्हेन द फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट्स इट्स साइकिल देन द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। यही सीरियलाइजिबिलिटी का मेन कॉन्सेप्ट है, क्या सीरियल शेड्यूल। सीरियल शेड्यूल में क्या होता है कि एक ट्रांजेक्शन, देखो एटीएम का एग्जांपल ले लो, जब तक आप एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं करते हो तब तक वो दूसरा ट्रांजेक्शन वहां पे होगा नहीं, तो ये क्या होगा सीरियल शेड्यूल हो गया, सीरियली मैनर में हो रहा है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है इक्विवेलेंस शेड्यूल्स, क्या है इक्विवेलेंस शेड्यूल्स। इक्विवेलेंस शेड्यूल्स में क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला तो है रिजल्ट इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस शेड्यूल्स में पहला रिजल्ट इक्विवेलेंस। तो अगर दो शेड्यूल, इफ टू शेड्यूल्स प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट आफ्टर द एग्जीक्यूशन दिस सेड टू बी रिजल्ट इक्विवेलेंट, मतलब दोनों का रिजल्ट सेम है तो वो रिजल्ट इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है व्यू इक्विवेलेंस। व्यू इक्विवेलेंस क्या होता है कि टू शेड्यूल्स वुड बी व्यू इक्विवेलेंस इफ द ट्रांजेक्शन इन बोथ द शेड्यूल परफॉर्म सिमिलर एक्शन इन सिमिलर मैनर। क्या बोल रहा है कि व्यू इक्विवेलेंस एक ऐसा इक्विवेलेंस होगा जिसमें कि ट्रांजेक्शन बोथ शेड्यूल्स में कोई भी, मतलब देखो अगर आप इक्विवेलेंस कर रहे हो तो दो चीज आपको लेना ही पड़ेगा, ये ट्रांजेक्शन T1 T2, इसमें शेड्यूल हो रहा है ट्रांजेक्शन का,
तो क्या बोल रहा है कि टू शेड्यूल्स वुड बी इक्वेलेंस, व्यू इक्वेलेंस, अगर दोनों ट्रांजेक्शन में शेड्यूल जो है परफॉर्म कर रहा है सिमिलर एक्शन है और सिमिलर मैनर। जैसे कि एग्जांपल लो, अगर कोई मेरे पास ट्रांजेक्शन टी है, अगर वो कोई डेटा एस पढ़ रहा है एस वन, तो इसी समय में वो इनिशियल डेटा एस टू भी पढ़ रहा है। अगर टी रीड्स पढ़ रहा है वैल्यू जे इन एस वन, देन इट ऑल्सो रीड द वैल्यू रिटर्न जे इन एस टू। मतलब एक ही समय में दोनों शेड्यूल में काम कर रहा है वो ट्रांजेक्शन, तो हो जाएगा व्यू इक्वेलेंस। कॉन्फ्लिक्ट इक्वेलेंस क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, दो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट होगा कब, जब वो प्रॉपर्टीज ये सारा होगा, बोथ बिलोंग टू सेपरेट ट्रांजेक्शन, दोनों को सेपरेट ट्रांजेक्शन में होना पड़ेगा, बोथ एक्सेस द सेम डेटा आइटम, दोनों को सेम डेटा एक्सेस करना पड़ेगा, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज राइट ऑपरेशन, और एक कम से कम एक मेरा राइट ऑपरेशन होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ट्रू, और आपके पास रहता है चार एग्जाम्पल जिसमें कि थ्री आपका चार ऑप्शन रहता है जिसमें कि तीन सही होगा, तो तीन आपका क्या हो जाएगा कि दोनों को सेपरेट ट्रांजेक्शन से बिलोंग करना चाहिए और दोनों सेम डेटा को एक्सेस करेगा तभी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, और एटलीस्ट वन ऑफ देम राइट होगा। अगर रीड करेगा तो कॉन्फ्लिक्ट का कोई बात ही नहीं होगा, जब तक राइट एक समय पे नहीं करेगा तब तक वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ऑल राइट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक नोट है, इसको आप इम्पोर्टेंट करके लिखिए। क्या बोलता है, व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल्स आर व्यू सीरियलाइजेबल। क्या बोलता है कि व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल्स है वो व्यू सीरियलाइजेबल है, एंड कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल्स आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियल, तो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल्स है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। ऑल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स आर व्यू सीरियलाइजेबल टू, मतलब जितना भी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है वो व्यू सीरियलाइजेबल होगा। ठीक है, अब देखो जब हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं हमारे पास डिफरेंट मुसीबतें आती हैं, तो DBMS कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेके चलता है ताकि हमारा डेटा का इंटीग्रिटी बना रहे। ठीक है, कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया भर का यूजर एक ही चीज़ यूज करता और हमारा सिस्टम क्रैश ही हो जाता। तो क्या बोलता है कि हमारा डेटा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहे और हमारा डेटा किसी और से इंटरेक्ट नहीं करे, तो इसके लिए DBMS में कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखने योग्य होती हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है एसिड प्रॉपर्टी, जिसको बेसिकली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिड। ए से होता है एटोमिसिटी, सी से होता है कंसिस्टेंसी, आई से होता है आइसोलेशन, और डी से ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो इन सारे को समझने की कोशिश करते हैं ये क्या होते हैं। पहला तो है एटोमिसिटी, क्या मतलब है, द ऑल और नथिंग प्रॉपर्टी। देखो ट्रांजेक्शन, जब हम देखो बताते हैं, समझो अगर मेरा ट्रांजेक्शन टी है, इसमें आप लोगों ने रीड किया एक डेटा एक्स, ठीक है, आप लोगों ने रीड किया एक्स टू, एक्स वन कर लो एक्स टू, आप लोगों ने राइट किया एक्स थ्री, तो मेरा क्या होगा, ट्रांजेक्शन में स्टेप चल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि अगर मेरा कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, करो तो सब करो लेकिन बीच में ही नहीं छोड़ो, तो इसका मतलब है एटोमिसिटी। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हैं कि अ ट्रांजेक्शन मस्ट ऑल्टर द डेटाबेस फ्रॉम वन स्टेडी स्टेट टू अनदर स्टेडी स्टेट, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द DBMS एंड द एप्लीकेशन डेवलपर टू मेक सर्टन कंसिस्टेंसी। तो क्या बोल रहा है कि अगर ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है तो वो मस्ट अल्टर करेगा, अल्टर करेगा क्या, डेटाबेस को फ्रॉम एक स्टेडी स्टेट टू अनदर स्टेडी स्टेट। मतलब अगर मेरा यहाँ पे एक अच्छा सा स्टेट बना हुआ था, अगर हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसके बाद हम लोग का DBMS एक कंसिस्टेंट स्टेडी स्टेट में जाना चाहिए, वो इंश्योर करेगा कंसिस्टेंसी, ताकि मेरा जो पहले डेटाबेस का दिख रहा था डेटा का सिस्टम जो दिख रहा था जैसा था नहीं था, उसी को कंसिस्टेंट रखने का भी जिम्मेदारी है। ठीक है, आइसोलेशन की बात करें तो सिंपल सी बात है कि ट्रांजेक्शन दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अदर, इसी को क्या बोलते हैं, मतलब अगर आप ट्रांजेक्शन दो आदमी कर रहे हो तो मेरा ट्रांजेक्शन आपसे इंडिपेंडेंट होगा, उसमें कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं होगा, ये भी इंश्योर करता है DBMS ट्रांजेक्शन का प्रॉपर्टीज आइसोलेशन। ड्यूरेबिलिटी, इसका क्या होता है, दैट इफेक्ट्स ऑफ एन अनकम्प्लिश्ड एंड अकम्प्लिश्ड ट्रांजेक्शन आर परमानेंटली रिकॉर्डेड इन डेटाबेस मस्ट नॉट गेट लॉस्ट और वैनिश्ड ड्यू टू सब्सिक्वेंट फेलियर्स। समझो अगर आपके आपके खाता में था 10,000,
आपके खाता में था 10,000, आप लोगों ने 5,000 निकाल लिया। क्या निकाल लिया? 5,000 निकाल लिया। तो अगर आपका अब क्या होना चाहिए, आपका न्यू बैलेंस 5,000 दिखाना चाहिए, ठीक है। न्यू बैलेंस क्या दिखाना चाहिए? 5,000। तो हम लोग का DBMS में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा सिस्टम रिकॉर्ड कर दे परमानेंटली 5,000, और बीच में जो 5,000 निकाला इसका भी रिकॉर्ड लगे, ताकि ये जो रिकॉर्ड है ये खोए नहीं। अगर खो जाएगा फिर तो आपको बैंक में जाके झगड़ा ही करना पड़ जाएगा। आपने पैसा निकाल भी लिया और बोलोगे सर मैंने तो पैसा निकाला नहीं है, इसमें शो नहीं कर रहा, तो मेरा 5,000 कहाँ गया। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि मेरा ड्यूरेबिलिटी भी बना रहे। ऑलराइट, चलिए अब देखो कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब जब ट्रांजैक्शन कर रहे हो, हमारे पास शेयर डेटा होता है। क्या होता है? DBMS में, डेटाबेस में, जब हम लोग काम करते हैं किसी कंपनी में या कहीं भी, तो हमारे पास शेयर डेटा होता है। क्या होता है? शेयर डेटा होता है। तो शेयर डेटा होता है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप रेंडम यूजर्स को नहीं एक्सेस दो, ताकि हमारा डेटाबेस में कुछ इनकन्सिस्टेंसी आए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग लॉकिंग करते हैं अपना किसी भी डेटा को शेयर करने के लिए, जब जरूरत होगा तभी हम लोग उसकी लॉक को खोलेंगे। तो इसमें टू फेज लॉकिंग होता है, पहला तो इंपॉर्टेंट है। तो उसमें होता है बाइनरी लॉक्स। क्या होता है? एक पहला होता है बाइनरी लॉक्स। तो बाइनरी लॉक्स में दो स्टेट होता है, लॉक्ड और अनलॉक्ड। क्या है? लॉक्ड और अनलॉक्ड। चलो वन और जीरो इसको बोलते हैं। वन में लॉक हो जाएगा, जीरो में अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। समझो अगर मेरा डेटाबेस आइटम एक्स है, अगर इस पे मेरा लॉक आई मतलब सॉरी लॉक वन लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है कि एक्स कैन नॉट बी एक्सेस बाय डेटाबेस ऑपरेशन दैट रिक्वेस्ट द आइटम। अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा भी तो भी एक्स आइटम को वो यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर यहीं पे इसका स्टेट जीरो रहा तो ये अनलॉक है, मतलब अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा तो इसका यूज हो पाएगा इस डेटा का। समझो ये ऑपरेशन ऐसे होता है, आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करें शेयर्ड और एक्सक्लूसिव रीड राइट लॉक की, तो उसमें क्या होता है, उसमें समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक ट्रांजेक्शन टी है तो वो उसको इशू करना पड़ेगा ऑपरेशन रीड लॉक या राइट लॉक पहले, ठीक है, बिफोर एनी रीड आइटम ऑपरेशन इज परफॉर्म इन टी। अगर कोई रीड आइटम टी परफॉर्म हो रहा है हमारे ट्रांजेक्शन में, उससे पहले ट्रांजेक्शन को इशू करना पड़ेगा रीड लॉक, रीड करना है उस डेटा आइटम एक्स को या लॉक करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, अ ट्रांजेक्शन टी मस्ट इशू द ऑपरेशन राइट लॉक्स बिफोर एनी राइट आइटम ऑपरेशन इन द परफॉर्म टी। ऑलराइट, उसके बाद क्या है, ट्रांजेक्शन टी मस्ट इशू द ऑपरेशन अनलॉक एक्स आफ्टर ऑल रीड आइटम्स एंड राइट ऑपरेशंस आर कंप्लीटेड इन ट्रांजेक्शन, मतलब थ्री स्टेप में, ठीक है। उसके बाद चार क्या, ट्रांजेक्शन टी विल नॉट इशू अ रीड लॉक ऑपरेशन इफ इट इज ऑलरेडी होल्ड्स अ शेयर्ड लॉक और राइट एक्सक्लूड और रीड ऑन दिस रूल में बी रिलैक्स एडमिटेड, ठीक है। देखो ये हटा, तो देखो यहाँ पे शेयर्ड एक्सक्लूसिव रीड राइट का बात करें, तो यहाँ सिंपली क्या हो जा रहा है कि अगर हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन में रीड या राइट कर रहे हैं, समझो अगर हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है रीड आइटम एक्स पर, हमको रीड करना है ट्रांजेक्शन टी में, तो उससे पहले हम लोग को एक ट्रांजेक्शन इशू करना पड़ेगा कि हम लोग रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, राइट लॉक कर रहे हैं, रीड रीड के लिए लॉक कर रहे हैं या राइट के लिए लॉक कर रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है कि अगर आपको राइट करना है आइटम एक्स में, तो उसके पहले आपको उस जगह को, उस डेटा को, उस इंस्टेंस को आप लोग को लॉक करके ही लिखना पड़ेगा, ताकि उसी समय कोई और आदमी आके उसमें कुछ लिख ना दे। इसलिए आप पहले क्या करोगे, आप पहले लॉक कर लो फिर उसमें राइट कर लो, ठीक है। आप जब रीड कर लेते हो आइटम एक्स को या फिर राइट कर देते हो, तो आप अपना काम होने के बाद उसको क्या करो, अनलॉक कर दो, ठीक है। तो ये होता है सिंपली काम मेरा, क्या, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव अनलॉक रीड राइट लॉक का, ठीक है। आगे वही सब कहानी, उसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो यहां पर इसमें दो फेज हो सकता है टू फेज लॉकिंग में, एक्सपेंडिंग और ग्रोइंग, ठीक है, ग्रोइंग फेज और मतलब एक्सपेंडिंग और ग्रोइंग फेज, और दूसरा हो सकता है श्रिंकिंग फेज। तो एक्सपेंडिंग ग्रोइंग फेज में क्या होता है, ये एग्जांपल आते ही, ये क्वेश्चन आते ही रहता है। तो एक्सपेंडिंग या ग्रोइंग फेज में क्या होता है कि ड्यूरिंग विच न्यू लॉक्स ऑन आइटम कैन बी रिक्वायर्ड
बट नन कैन बी रिलीज्ड। तो ग्रोइंग में क्या होता है कि हम लोग लॉक तो लगा सकते हैं बट रिलीज नहीं करते। वहीं श्रिंकिंग में क्या होता है कि लॉक रिलीज कर जा सकता है पर न्यू लॉक एक्वायर नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखोगे इस बात को। देखो वेरिएशन है टू फेज लॉकिंग का बहुत सारा, जैसे कि कंजर्वेटिव 2PL, स्टेटिक 2PL जिसको कि बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये रिक्वायर्स अ ट्रांजेक्शन टू लॉक ऑल द आइटम्स एट इट एक्सेस बिफोर द ट्रांजेक्शन बिगिन इट्स सीक्वेंस बाय प्रीडिक्लेयरिंग इट्स रीड सेट राइट सेट। तो क्या बोल रहा है कि इसमें क्या होता है कंजर्वेटिव 2PL में, कि इसमें टू फेज लॉकिंग में क्या होता है या स्टेटिक टू फेज लॉकिंग में, कि इसको रिक्वायर होता है कि ऑल लॉक्स ऑन द आइटम, अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उससे पहले उसको सारा आइटम पे क्या करना पड़ेगा, लॉक लगाना पड़ेगा। ऑल इट देखो कंजर्वेटिव 2PL इज अ डेड लॉक फ्री डेड प्रोटोकॉल, याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिए। क्या है कंजर्वेटिव टू फेज लॉकिंग जो है वो डेड लॉक फ्री होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो स्ट्रिक्ट 2PL और रिग्रेस 2PL, स्ट्रिक्ट 2PL में क्या होता है, इट डज नॉट रिलीज इट्स एक्सक्लूसिव राइट लॉक्स अंटिल आफ्टर इट्स कमिट्स और एबॉर्ट। क्या बोलता है कि इसके पास अगर राइट लॉक है तो जब तक ये कमिट या उस ट्रांजैक्शन को एबॉर्ट नहीं कर देता है तब तक वो अपने रीड राइट राइट लॉक को रिलीज नहीं करेगा, दैट इज स्ट्रिक्ट 2PL। और रिग्रेस 2PL की बात करें तो ये क्या करता है, ये गारंटी देता है स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स। इन दिस वेरिएशन अ ट्रांजेक्शन टी डज नॉट रिलीज एनी ऑफ इट्स लॉक्स एक्सक्लूसिव और शेयर्ड अंटिल आफ्टर इट कमिट्स और अबॉर्ट्स एंड सो इट इज इजियर टू इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रिक्ट 2PL। ऑलराइट, थ्योरी की बातें हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे एक बार इसको, जब आपको PDF मिला तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं किसमें, कंजर्वेटिव और रिग्रेस 2PL में। तो कंजर्वेटिव में क्या होता है कि ये ऑल सारा मतलब जितना भी आइटम जरूरत होता था वो लॉक करता था अपने ट्रांजैक्शन के पहले, ठीक है। क्या बोल रहा है कि लॉक ऑल आइटम बिफोर इट्स जस्ट सो वंस द ट्रांजैक्शन स्टार्ट इट इज इन इट्स श्रिंकिंग फेज, ठीक है। श्रिंकिंग फेज का मतलब आपको मैंने बताया। द लेटर का क्या मतलब, रिग्रेस 2PL does not unlock any of its items until after it terminates by committing or aborting, so transaction is in expanding phase, ठीक है, until its end। अब देखो अगर shared item में देखो transaction जब हम लोग करते हैं DBMS में तो हम लोग का shared item mostly होता है, तो shared item में हो सकता है एक time में कोई एक आदमी उस और डेटा को पकड़ के रखा है, पर उसी समय किसी आदमी को ज़रूरत है उस डेटा का, पर वो आदमी वेट करते ही जा रहा है करते ही जा रहा है, पर जो रिसोर्स उस डेटा को पकड़ उस रिसोर्स को जो कुछ पकड़ के रखा है कोई भी ऐसा जहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसको बहुत टाइम के लिए छोड़ ही नहीं रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डेड लॉक सिचुएशन में चल जाएगा, ठीक है। तो डिफिनेशन देख लेते हैं, डेड लॉक अकर्स व्हेन ईच ट्रांजेक्शन टी इन अ सेट ऑफ टू और मोर ट्रांजेक्शन इज वेटिंग फॉर सम आइटम दैट इज लॉक्ड बाय सम अदर ट्रांजेक्शन टी इन द सेट, जो अब मैंने आपको अभी बहुत ही अच्छे से हिंदी भाषा में बताया। ऑलराइट, तो हेंस ईच ट्रांजेक्शन इज इन द वेटिंग क्यू वेटिंग फॉर वन ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द सेट टू रिलीज द लॉक ऑन आइटम, बट बिकॉज द अदर ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो वेटिंग इट विल नेवर रिलीज द लॉक, ठीक है। अब देखो अगर डेडलॉक हो जा रहा है तो डेडलॉक प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, डेडलॉक प्रिवेंशन कैसे हो सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, जो भी आइटम हमको चाहिए पहले से हम लोग ऑल आइटम्स हम लोग ले लेंगे एडवांस में। दूसरा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजेक्शन टाइम स्टाम्प विच इज यूनिक आइडेंटिफायर असाइन टू इस ट्रांजेक्शन, द टाइम स्टाम्प्स आर टिपिकली बेस्ड ऑन द ऑर्डर इन विच ट्रांजेक्शन आर स्टार्टेड, ठीक है। देखो कैसे, अगर ट्रांजेक्शन T1 स्टार्ट होता है बिफोर ट्रांजेक्शन T1 तो मेरा क्या है कि टाइम स्टाम्प जो है T1 का वो लेस है क्या टाइम स्टाम्प ऑफ T2, टाइम स्टाम्प आप लोग समझे यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा दो कॉन्सेप्ट आ जाता है, वेट डाई और वुंड वेट का, वेट डाई और वुंड वेट का। तो वेट डाई में क्या होता है, अगर ट्रांजेक्शन TI है उसका टाइम स्टाम्प ट्रांजेक्शन TJ से छोटा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि TI मेरा ओल्डर है TJ से, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि टी आई इज अलाउड टू वेट, क्या मतलब जो पुराना है उसको वेट करने के लिए अलाउ कर देते हैं, ठीक है, अगर ऐसा है तो। अदरवाइज अगर टी आई यंगर है टी जे से, तो टी आई को क्या कर देंगे, अबॉर्ट कर देंगे, मार देंगे और रिस्टार्ट करेंगे इसको लेटर विथ सेम टाइम स्टाम्प, ठीक है। वुंड वेट की बात करें, अगर मेरा टाइम स्टाम्प और टी आई लेस है मतलब टी आई ओल्डर है टी जे से, तो अबॉर्ट कर देंगे टी जे को और टी आई बुंड्स, मतलब अबॉर्ट टी जे को कर रहे हैं तो टी आई इसको घायल कर दे रहा है, ठीक है। एंड इस रिस्टार्ट इट लेटर विद टाइम सेम टाइम स्टाम्प। अदरवाइज अगर टी आई ओल्डर नहीं है, अगर टी आई यंगर है, तो टी आई अलाउड टू वेट है, सेम जो वेट टाइम में था उसका उल्टा है उंड वेट में, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा आगे से चल रहा हूँ, क्योंकि आपको जब आप लोगों ने कॉलेज किया है, आप लोगों ने कहीं भी पढ़ा होगा, तो डीबीएमएस वहाँ पे होता ही होता है। आप लोगों का थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन क्या होता है इन सब के बारे में आप लोगों को जानकारी है, फिर भी मैंने सिंपल भाषा में आपको यहाँ पर सारा जो बात है वो बताया है और कैसे क्या हो रहा है वो सारा बात भी आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है। देखो अब है नो वेटिंग अल्गोरिदम। क्या है नो वेटिंग अल्गोरिदम? तो नो वेटिंग अल्गोरिदम में क्या होता है कि इफ़ ए ट्रांजेक्शन इज अनेबल टू ऑब्टेन ए लॉक, इट इज इमीडिएटली अबॉर्टेड। देखो अगर कोई ट्रांजेक्शन लॉक नहीं लगा पा रहा है, लॉक का नहीं उसको हो रहा है, कुछ कुछ आइडिया नहीं लग रहा है लॉक कैसे हो रहा है, मतलब अपने भाषा में बता रहा हूँ, तो वो इमिडिएटली क्या होगा, वो ट्रांजेक्शन अबॉर्ट हो जाएगा और रिस्टार्ट करेंगे आफ्टर सर्टन टाइम डिले विदाउट चेकिंग वेदर डेड लॉक विल एक्चुअली अकर और नॉट। तो क्या करेंगे, अगर हमको तुरंत लॉक नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, उस ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर देंगे और कुछ समय के बाद उसको फिर से चालू करेंगे बिना देखे कि हमारा डेडलॉक पहले के जो ट्रांजैक्शन है उसे लगा है या नहीं लगा है। इन दिस केस नो ट्रांजैक्शन एवर वेट सो नो डेडलॉक विल अकर। तो ऐसा होने पर डेडलॉक कभी अकर ही नहीं होगा, समझो। अगर डेडलॉक मेरा आगे वाला लगा भी दिया तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि लॉक नहीं ले पा रहे, वो आइटम फिर से अबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखो अगर ऐसा होता है कि बार बार थोड़ा टाइम डिले पर बार बार कोई ट्रांजैक्शन जा रहा है लॉक के लिए और बार बार अबॉर्ट हो जा रहा है, तो उसके लिए प्रपोज किया गया क्या, कॉशियस वेटिंग एल्गोरिथम। क्या किया गया, कॉशियस वेटिंग एल्गोरिथम टू रिड्यूस द नंबर ऑफ नीडलेस अबॉर्ट या रिस्टार्ट, ठीक है। अब कॉशियस वेटिंग में होता क्या है, अगर मेरा टीजे ट्रांजेक्शन है, अगर इज नॉट लॉक मतलब ब्लॉक नहीं है, सॉरी ब्लॉक नहीं है मतलब क्या, किसी अदर लॉक्ड आइटम के लिए वेट नहीं कर रहा है, देन टी आई इज ब्लॉक्ड एंड अलाउड टू वेट अदरवाइज अबॉर्ट टी आई, ठीक है। तो टी आई को अलाउड मतलब इज ब्लॉक्ड एंड अलाउड टू वेट, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है और वेट करने के लिए कहा जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे, अबॉर्ट कर देंगे टी आई को, ठीक है। अब देखो वहां पे क्या था, डेडलॉक प्रिवेंशन। अगर डेडलॉक लग गया तो आप डिटेक्ट कैसे करोगे इसको, ठीक है। तो पहला मेरा वेट फॉर ग्राफ, दूसरा है वेटिंग सिलेशन और तीसरा है टाइम आउट, ठीक है। वेट फॉर ग्राफ में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर मेरा एक एक इंस्टांस है किसी मतलब आइटम का, ठीक है, अगर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं और ये मेरा सर्कुलर आ जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वेट फॉर ग्राफ में क्या है, ये क्या है, एक दूसरे का वेट कर रहा है, मतलब डेडलॉक है उसमें। विक्टिम सिलेक्शन, उसी तरह हम लोग ट्रांजेक्शन में देखेंगे कौन सा लॉक है, मतलब कौन सा मतलब विक्टिम है, उसको सेलेक्ट करेंगे। और टाइम आउट का बात करें तो क्या होगा, टाइम आउट्स मतलब क्या करेंगे डिडक्शन में, समझो कोई भी ट्रांजेक्शन आपका चल रहा है, आप किसी ट्रांजेक्शन को एक सर्टन लिमिट दे दो, ठीक है। अगर सर्टन लिमिट के बाद भी वो मतलब लॉक मतलब टूटा नहीं, वो लॉक ही रह गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि चलो इसका टाइम आउट हो गया, ये बाहर नहीं आया, इसका क्या मतलब, इसमें डेड लॉक लग गया। आप ऐसा सिंपली भाषा में समझ सकते हो, ठीक है। स्टारवेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टारवेशन में क्या होता है कि जब हम लोग व्हेन वी यूज लॉकिंग इन स्टार्वेशन विच अकर्स व्हेन ट्रांजेक्शन कैन नॉट प्रोसीड फॉर इंडिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम व्हाइल अदर ट्रांजेक्शन इन सिस्टम कंटिन्यू नॉर्मली, समझो कोई एक ऐसा ट्रांजेक्शन जो इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या कर रहा है, अपना ट्रांजेक्शन प्रोसीड ही नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये स्टार्वेशन का कंडीशन है, ठीक है।
चलिए अब हम लोग पढ़ लिए बहुत सारा चीज़, अब एलियाज एल्गोरिदम के बारे में पढ़ते हैं। तो एलियाज एल्गोरिदम बेसिकली रिकवरी एल्गोरिदम है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ये कुछ कुछ होता है कि इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, एनालिसिस, रेडो, अंडो। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा यहाँ तक जो थ्योरी था डीबीएमएस का वो ख़त्म हो चुका है, अब अगली क्लास में एसक्यूएल पढ़ेंगे और डीबीएमएस को ख़त्म करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर कुछ रह जा रहा है तो उसको हम लोग एक मिसलिनियस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।